एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो टाइटल में आपने देख लिया होगा कि हम बुकमार्क्स बनाने वाले हैं, और एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम बहुत ढेर सारे बुकमार्क्स बनाएंगे, और खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके सामने अच्छी अच्छी दिखती हूँ। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम बुकमार्क्स ही तो बना रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इसको वेस्ट मटेरियल से बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो मैं पिछले 1-1.5 महीने से कलेक्ट कर रही थी, और अभी इस बॉक्स के अंदर मैंने वो मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। आप सुन सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो चुका है मेरे पास। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर है क्या, तो वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले, मतलब लगभग 5-6 महीने पहले बोला था कि मैं Q&A वीडियो करूँगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। लेकिन फाइनली Q&A वीडियो आ चुकी है मेरे नए वाले चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस डिब्बे में मैंने कलेक्ट करके रखे हैं बहुत ढेर सारे टैग्स, तो आज मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें से मैं जो भी डिफरेंट साइज़ के टैग्स हैं उनको सेलेक्ट कर ले रही हूँ। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप तो वैसे भी बहुत कॉमन होता है, तो मैं जो कुछ इसमें अलग अलग टाइप के शेप्स हैं उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और इन्हीं पे हम अपने बुकमार्क्स पेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस पे जेसो अप्लाई कर दूँगी, ताकि हमें पेंट करने के लिए एक बेस मिल जाए और जो भी इन टैग्स के ऊपर प्रिंटेड है वो हाइड हो जाए। तो 3-4 टैग्स को छोड़ के मैंने बाकी सब पे जेसो अप्लाई कर लिया है एक स्पॉन्ज की हेल्प से। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप वाइट एक्रीलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टैग। तो मैं यहाँ पे पैंडा की एक ड्राइंग बना रही हूँ, और मैं पहले ही बता दूँ कि सारे टैग्स को मैं डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पे पेंट करने वाली हूँ, या डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स मैंने यहाँ पे ट्राई की हैं। तो फर्स्ट बुकमार्क में मैं बस सिंपली एक मैंने ड्राइंग बना दी और सिंपली उसमें कलर्स फिल कर दिए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टाइल है, जैसे कि हम नॉर्मली पेंट करते हैं उसी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने एक क्यूट सा बुकमार्क रेडी कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुकमार्क की तरफ। तो यहाँ पे मुझे एक सिंपल प्लेन वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैं इसके पीछे वाला साइड यूज़ कर रही हूँ और इसी को मैं पेंट करूँगी। तो हम ट्राई करने वाले हैं स्क्रैच आर्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा आज ही इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने लिए हैं कुछ क्रियॉन्स, और उससे मैंने पूरे पेपर को कुछ इस तरीके से कलर कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ ब्लैक चॉक पेंट, और इसके ऊपर मैंने इसे पेंट कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो पूरे किए कराए पे पानी ही फेर दिया। पानी नहीं फेरा है, पेंट फेरा है, और इसी से तो असली मज़ा आएगा, क्योंकि अब हम करेंगे स्क्रैच आर्ट। तो इसके लिए आपको कोई बेकार पेन ले लेना है जो कि काम ना करता हो, और उससे हम स्क्रैच करते हुए इस पे कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मंडाला पैटर्न्स बना रही हूँ, बट आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो पेन बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं था, तो मैं यहाँ पर एक कंपस यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि ये पॉइंटेड होता है तो इससे स्क्रैच करना और ज़्यादा इजी होगा, और ज़्यादा फाइन लाइंस दिखाई देंगी, और जो भी स्क्रैच करने के बाद पेंट निकलता है उसको एक ब्रश से आपको साफ करते जाना है, ताकि गंदगी ना फैले इधर उधर। एंड ये आर्ट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और आई विश कि थोड़ा बड़े बैकग्राउंड पे मैंने ये किया होता तो मुझे ज़्यादा स्पेस मिलता इसके साथ और एक्सप्लोर करने का, बट उसको हम कभी और ट्राई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्क्रैच करते 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 इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। ये फर्दर और स्क्रैच होके ख़राब ना हो तो इस पे आपको वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आर्ट की तरफ, नेक्स्ट बुकमार्क की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वाइट, पिंक, पर्पल, ये सारे कलर्स लेके इस तरह से बैकग्राउंड में पेंट कर लिया है। तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके का इसको एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे स्काई बना रही हूँ, तो क्योंकि ये बुकमार्क ड्रॉप के शेप में था, तो मैंने सोचा कुछ पानी, बादल या इसी से रिलेटेड कुछ पेंटिंग इस पर बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर
क्लाउड का सीन बना रही हूँ। तो क्लाउड बनाना बहुत ईजी प्रोसेस है, इसमें आपको डॉट डॉट करते हुए आपको क्लाउड्स बनाने हैं। आपको ब्रश को स्ट्रोक्स नहीं देने हैं, सिर्फ डॉट डॉट करते हुए बनाना है, तभी जो क्लाउड का इफेक्ट है वो अच्छे से आएगा। आई नो क्लाउड्स बनाने के और भी अलग अलग तरीके होंगे, बट जो मेरा हैक है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने इसी तरह से बनाया था। तो पहले मैंने लाइट पर्पल कलर से बनाया, उसके ऊपर मैंने वाइट कलर से फिर से डॉट डॉट करते हुए कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया। तो क्लाउड का शेप आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कैसा भी शेप बना देंगे वो क्लाउड जैसा ही लगेगा, क्योंकि क्लाउड का कोई शेप नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से बाद में मैंने कुछ और बीच में क्लाउड्स ऐड कर लिए और ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ बोहो पेंटिंग। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है और बहुत ही इजी होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ टेढ़े मेढ़े से शेप्स बना लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए। इसके बाद सिंपली आपको ब्लैक एक्रीलिक कलर से कुछ लीव्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि मैंने बनाई हैं, एंड कुछ इसी तरीके से आपको इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है और आपकी बोहो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप चाहें तो मेरी तरह आप टैग्स इकट्ठा करिए, उसके ऊपर पेंट करिए, या फिर आप इसको नॉर्मल किसी भी पेपर पर पेंट करके बुकमार्क्स बना सकते हैं। बट क्योंकि टैग्स का पेपर ऑलरेडी काफ़ी मोटा होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर पेंट करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला बुकमार्क मैंने रेडी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्ट की तरफ। तो अब मैं बहुत ही इजी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रश में पेंट ले लेना है और बस उसको एक इस तरीके से प्रेस करना है कि एक पैच बन जाए, और डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको इस तरह से पैचेस बना देने हैं। और बस अब हम इसमें नीचे स्टेम्स और लीव्स ऐड कर देंगे और ये बहुत ज़्यादा देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और इसको बनाने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज़ के यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो क्योंकि बुकमार्क्स का एरिया बहुत छोटा सा होता है, तो इसको बनाने में हार्डली आपको 5-10 मिनट लगेंगे और बहुत ही जल्दी आप इसको पेंट करके रेडी कर लेंगे। तो काफ़ी ईजी ये एक्टिविटी है। तो जब भी आप घर पर बोर हो रहे हों तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुकमार्क की तरफ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में ब्लू कलर से पेंट कर ले रही हूँ। तो बेसिकली मैं स्काई का रात का सीन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर में पेंट किया है। आप चाहे तो दिन का सीन भी बना सकते हैं, तो आप ऑरेंज या येलो कलर में भी इसको बैकग्राउंड को पेंट कर सकते हैं। तो अब सिंपली मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से कुछ आड़ी तिरछी इस तरह की लाइंस बना ली हैं। तो जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उस तरीके से हमें इसको बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी ब्रांचेस बनाते जा रही हूँ, जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ वहाँ मैंने ढेर सारी ब्रांचेस बना ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि वाइट पेंट लेना है और कुछ इस तरीके से हमें छोटे छोटे से फ्लावर्स इसमें बना लेने हैं, और आपको पूरे इस पेंटिंग में इस तरह से फ्लावर्स बना के इस पेड़ को बिल्कुल फूलों से भर देना है। और इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो ये सारी पेंटिंग्स आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत और कुछ बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली आपको इस तरह से छोटे छोटे फूल बनाने हैं। और अब क्योंकि रात का सीन है तो साइड में मैं एक छोटा सा मून भी बना दे रही हूँ, और कुछ इस तरीके से मैंने ये वाली पेंटिंग भी रेडी कर ली। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पेंट करने के बाद मैंने सोचा सिंपली अब एक बुकमार्क पे हमें कोट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर बेसिकली रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पेंसिल से एक कोट लिख लिया है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट जब मैं इसको पेंट करूँगी तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 000 साइज़ का ब्रश लिया है मैंने, और ब्लैक एक्रीलिक कलर से मैं इसको पेंट कर ले रही हूँ। तो इस तरह के कोट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स में गूगल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कोई भी कोट कॉपी कर सकते हैं या उसको ट्रेस कर लीजिए
और फिर आप सिंपली इसको एक पेंट से ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करके मैं फॉन्ट्स को थोड़ा और अच्छा लुक दे रही हूँ, और कुछ इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली मैंने यहाँ पे कोट लिख लिया है और ये बुकमार्क रेडी है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 2-3 ब्लैक कलर के भी बुकमार्क्स थे, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगी। तो मैंने ब्लैक कलर से ही बेस को पेंट कर लिया है और इसके ऊपर अब मैं कुछ पेंटिंग करूँगी। तो इस तरह की पेंटिंग्स मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखी हैं लोगों को करते हुए, इसको शायद वन स्ट्रोक पेंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड और ऑरेंज दो कलर्स लिए हैं और ब्रश में मैं दोनों को लेके कुछ इस तरीके से एक स्ट्रोक में जो फ्लावर्स होते हैं उसकी पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दो फ्लावर्स बना रही हूँ, दोनों को मैं सेम प्रोसेस से बना रही हूँ। तो सिंपली आपको कलर्स लेने हैं और इस तरह से स्ट्रोक्स बना के आपको पेटल्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम ग्रीन कलर लेंगे और इससे स्टेम्स और लीव्स ड्रॉ कर लेंगे। तो लीव्स बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस ही यूज़ किया है, मतलब कि एक स्ट्रोक वाले मेथड से मैंने ये लीव्स ड्रॉ कर ली हैं। एंड दिस आर्ट इज़ आल्सो सो सेटिस्फाइंग, आपको देखने में भी शायद अच्छा लग रहा होगा और बनाने में तो और ज़्यादा इसको मज़ा आ रहा था। और ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह के जो कलरफुल चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा अच्छे से निखर के दिखाई देती हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के पॉलेंस भी ऐड कर दिए हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने ये बुकमार्क रेडी कर लिया। तो अब ये बिल्कुल छोटू सा स्क्वायर शेप का एक टैग था, तो इस पे मैं करने वाली हूँ एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट पेन, आप चाहें तो इसकी जगह वाइट एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कुछ शेप्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना लिए और अब इन छोटे छोटे शेप्स को हमें आउटलाइन करना है। तो आपको एक के बाद एक इसकी आउटलाइंस बनाते जाना है और तब तक बनाना है जब तक कि पूरा बैकग्राउंड कवर ना हो जाए। लास्ट में जो थोड़ी बहुत स्पेस बीच बीच में बचेगी उसको भी आपको कुछ इस तरीके से कवर कर लेना है और कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया। अब लास्ट में एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का एक टैग था, तो इसको मैं पेंट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 3-4 पर्ल कलर्स रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर पर्ल कलर्स काफ़ी अच्छे से निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन और पिंक कलर लिया है और दोनों को ब्रश में लेके मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेटल्स बना रही हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना लिए हैं। तो पहले जो मैंने दो फ्लावर्स बनाए वो उतने अच्छे नहीं बने, बट बनाते बनाते जब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया तो इसके बाद मेरे फ्लावर्स थोड़े अच्छे बन गए। तो आप भी अगर इस तरह पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं तो एक बार आप उसको किसी रफ़ पेपर पे पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप पेंट करना स्टार्ट कीजिए। मेरी तरह डायरेक्टली हर चीज़ को पेंट करने की बेवकूफ़ी आप मत करिएगा। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ढेर सारी लीव्स भी बना ली और फ्लावर्स में भी थोड़ी बहुत डिटेल ऐड करने के बाद नीचे जो यहाँ पे कट था उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैंने उसकी एक आउटलाइन बना दी और ये एक बहुत ही शाइनी सा हमारा बुकमार्क कंप्लीट हो गया। अब आगे तो हमने पेंट कर लिया, अब पीछे क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? जी नहीं। तो पीछे की साइड भी मैंने इसको पेंट कर लिया है सिंपली, और जो ब्लैक कलर के टैग्स थे उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया। आप चाहे तो पेंट करने की बजाय इसके पीछे कोई पेपर भी स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टैग्स में मैंने पीछे पेपर स्टिक कर लिया, आपको चाहे तो पेंट करना है तो पेंट करिए या फिर इसी तरह से पेपर स्टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने सारे टैग्स रेडी कर लिए। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ रिबन्स रखे थे, तो सारे टैग्स में हम रिबन्स को इस तरह से बांध देंगे और सारे बुकमार्क्स को हम रेडी कर लेंगे। तो इन सारे बुकमार्क्स में से आपका फेवरेट कौन सा है और कौन सा पेंटिंग मेथड आपको सबसे मज़ेदार लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो
अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।